नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुंचे हैं नीलम फ्लाईओवर पे बिल्कुल, और नीलम फ्लाईओवर से जब एस्कॉर्ट बिल्कुल कंपनी के सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और जो लोगों ने थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट किया हुआ था उसको साफ किया जा रहा है। नगर निगम का दस्ता है यहाँ पर एसडीओ सुमेर सिंह के नेतृत्व में, टीम यहाँ पर पहुंची है, जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुंची हुई है और जो इंक्रोचमेंट लोगों ने की हुई है उसको साफ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलम फ्लाईओवर के बिल्कुल जस्ट राइट साइड में एस्कॉर्ट कंपनी के बिल्कुल सामने यहाँ पर लोगों ने खोके रेडी वगैरह लगाकर और अपना चाय की दुकान, किसी ने खोका लगाया हुआ था और ये देख सकते हैं पीछे पीछे दिखाएं, ये तंदूर भी यहाँ पर चल रहे थे। सरदार जी अपना तंदूर का सिस्टम यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं और ये सारा जो एसडीओ साहब का जिस तरह से कहना है कि यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट रहता था जिसकी वजह से जाम लगता था, पुलिस भी है यहाँ पर मौजूद है किसी तरह की जो, और एक बार इधर दिखा दें आपको जो नीलम फ्लाईओवर के बिल्कुल राइट साइड में जो जहाँ से नाला निकल रहा है वहाँ भी साफ सफाई की गई है। अब बात करेंगे एसडीओ सुमेर सिंह जी हैं हमारे साथ, सुमेर जी हैं एसडीओ साहब, मैं खड़ी करूंगा सारी जी। ये कहाँ कहाँ की सफाई हो रही है अब? आज एक तो नीलम 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 फ्लाईओवर के नीचे इंक्रोचमेंट है वो हटाई है और इसके साथ साथ जो है लोगों ने ये दुकानों के आगे चबूतरे बना के इंक्रोचमेंट जो कर रखी है, शेड्स बनाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, इनकी इंक्रोचमेंट है। तो यहाँ अक्सर जाम लगा रहता था, इसकी वजह यही है। हाँ हाँ यही है, एक यहाँ पे इस जगह भी जाम लगा रहता था इसलिए क्योंकि वो बड़ा आदमी है, ठीक है, उसके नेता से साठ बार से सलूजा पेट्रोल पंप जी उसका देखो उसके नाले के ऊपर आज तक उसको कोई हिला के राजी नहीं हुआ, आप जाके देख सकते हो। साहब खड़े एक चाय वाला बेचने वाले खोके को इन्होंने किसी को नोटिस दिया? 20 साल से बैठा हुआ चाय वाला, उसने इसका क्या बिगाड़ा इनका? ठीक है रोड भी आप तोड़ रहे हो तो लेकिन कम से कम नोटिस तो दे दे किसी को, टाइम तो दे दो हटाने के लिए। कोई नोटिस नहीं है हटाने के लिए, कुछ तो टाइम है क्या? रोड तो नोटिस है, सड़क के ऊपर कब्जा करके बैठे हो, कोई नोटिस भी दूंगा कौन कह रहा है उसमें कब्जा है? कैसे है, कैसे कब्जा हो जाएगा? लगाओ शिकायत, लगाओ हाँ लगाओ शिकायत, एक आदमी शिकायत तोड़ लगाओ। इनकी शिकायत किसने लगाई है? शिकायत तोड़ के दिखाता हूँ उसको। ये तो इंक्रोचमेंट है, मेरा काम है टर्न रोड का। शिकायत शिकायत दो ना, आप दो ना शिकायत। किसका? ये मेरा काम है इंक्रोचमेंट हटाने का, सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट है, सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं हटाऊंगा। हाँ क्या चाहते हो आप मेरे से? क्या चाहते हो ये बताओ, आप मेरे से क्या चाहते हो? मेरे को काम नहीं करने दोगे क्या? क्या चाहते हो आप? आप क्या चाहते हो मेरे से? काम कर रहे हो तो काम नहीं करने दोगे? चलो अपना काम करो। नोटिस दिया तू? क्या नोटिस है? कौन सी दुकान है आपकी? आपकी कौन सी दुकान है? नोटिस भी दे दूंगा। हाँ दिखाओ आपकी कौन सी दुकान है? बेकार में कब्जा करके सारे कब्जे करके बैठे ही है। हाँ ये भी कब्जे हैं, अरे ये भी कब्जे हैं सारे के सारे सरकार की जमीन पे। ये बरामदे कवर कर रखे हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या आप बातें लगा रहे हो? फेबातु की सारे के सारे बरामदे कवर करके पीछे पार्किंग, ये गवर्नमेंट की जगह है, पीछे पार्किंग एस्कॉर्ट बना रखी है। आप उसको तोड़िए, पूरे के पूरे कंप्लेंट हुई पड़ी है, ये सारे के सारे वरंडे आप लोगों ने कवर कर रखे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हाँ तोड़िए। अरे तुम उसको बड़ी बिल्डिंग जो कवर कर रखी है, देखो अभी दिखाऊं ये किसकी बिल्डिंग है, देखो 10 फुट बाहर है ये, बेकार की बात कर रहे हो। क्या हो गया? इसका देखो ना, आरोप लग रहे हैं सलूजा वाले ने पैसे दे दिए कर नगर निगम को, जो सलूजा वाले का जो बिल्डिंग है टीवीएस के वो नहीं तोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धक्का मुक्की हो चुकी है और फरदाबाद यहाँ पर देखो यहाँ पर धक्का मुक्की हो चुकी है और लड़ाई हो रही है लोगों की। आरोप लगा है नगर निगम पर कि जिस हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनको हाथ लगा, जय साहब हाथ उठाए नहीं लगा, ये पब्लिक का बोलने का हक नहीं लगा, ये गलत बात है। एक मिनट हाथ उठाए, मैंने किसी को हाथ लगाया? जय साहब मेरे पे क्यों हाथ उठा रहे हैं ये बताइए, मेरा हक नहीं है बोलने का? नहीं उठाया, मैं गरीब के लिए हाथ उठा रहा हूँ,
कि उसका खोखा तोड़ा गया, तो अब मेरे पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? सब पर एक समान हो, यही चाहते हैं? मैंने जय साहब को गाली दी है। अमीरों पे नहीं तोड़े जा रहे, नहीं मेरे मेरे साथ क्यों हाथापाई हो रही है बताइए? मैं गरीब के लिए आवाज उठा रहा हूँ, मेरा कोई मतलब थोड़ी है। जय साहब ये चाह रहे की जो कार्रवाई हो गरीब और अमीर दोनों पर हो, इस तरह मतलब चूज एंड पिक की नीति के तहत ना हो, केवल खोखे और जो रेडी वाले हैं उनको ही इंसाफ ना किया जाए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो लोगों ने बना रखी है उनको भी साफ किया जाए। यहाँ पर सामने जो सलूजा टीवीएस शोरूम है वहाँ पर भी, और एसडीओ साहब पूरी गर्मी में है और यहाँ देख सकते हैं काफी भड़के हुए हैं एसडीओ साहब। ये देखिए जो नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये देखिए, ये देखिए जो उसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, वो तो एक खोखे वाले के लिए बोल रहा है, उसकी कोई बिल्डिंग थोड़ी है, खोखे वाले के लिए बोल रहा है। तो माहौल काफी गर्म हो चुका है और एसडीओ साहब जो है पूरा यहाँ पर खोद में है। जो लोग जो आरोप लगा रहे थे कि नगर निगम के अधिकारियों ने पैसे खा लिए हैं और उसके बाद काफी उत्तेजित हो गए हैं एसडीओ।